नीतीश बाबू फिर से बनेंगे पलटू राम हो गया इशारा। मोदी शाह के जाल में बुरे फंसे बिहार सीएम, जल्द होने जा रहा बड़ा खेला। मोदी से बड़ी नजदीकियां, विपक्षी दल नहीं दे रहे भाव। नीतीश बाबू के हालात ऐसे बन गए जैसे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। मन ही मन फूट रहा लड्डू, मोदी से हुई बड़ी बात। विपक्षी दलों की बिना चिंता किए अकेले ही डिनर पर पहुंच गए मोदी के पास। पीएम मोदी सरार पर मोदी के ही बन गए सबसे सच्चे यार। एंकरों के बायकॉट से भी रहे अनजान, अंदर ही अंदर पका रहे खिचड़ी। नीतीश बाबू के पलटे मारने के वो पांच बड़े कारण जिनकी वजह से फिर बनेंगे पलटू राम, ऐसे छोड़ेंगे आरजेडी का साथ। जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मन फिर से डोल रहा है। नीतीश बाबू आजकल मन ही मन खूब मौज काट रहे हैं और ये गीत गुनगुना रहे हैं, मेरा मन डोले मेरा तन डोले। नीतीश बाबू का जन्म ही पलटी मारने के लिए हुआ है, तभी तो बिना दुख दर्द सहे, बिना किसी को परेशान किए, कड़क मुस्कान के साथ कुर्सी के खातिर इधर से उधर होकर पलटी मार जाते हैं, तभी तो पूरे भारत में इनका नाम पलटू राम है। ऐसे में जब 2024 लोकसभा चुनाव सर पर है तो फिर से नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेलने जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक मोदी और शाह ने नीतीश को फिर से अपने जाल में फंसा लिया है और नीतीश बाबू की दाल जिस तरीके से विपक्षी दल गलने नहीं दे रही है उससे कई बड़े संकेत मिलने शुरू हो गए, क्योंकि विपक्षी दलों का हाल एक अनार 100 बीमार जैसा है। ऐसे में नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर नीतीश की मोदी से नजदीकियां बढ़ी है तो उधर लालू के स्वस्थ होने से और फिर से राजनीति के मैदान में उतरने से नीतीश खुद को आहत होने जैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को यह पता चल चुका है कि विपक्षी दल ना तो उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाएंगे, ना ही वो 2025 में बिहार का सीएम बन पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ये बात अपनी तरफ से जाहिर कर चुके हैं कि 2025 में तेजस्वी ही गद्दी संभालेंगे। ऐसे में अगर 2024 से पहले नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हैं तो बीजेपी के साथ जाकर 2025 में अपनी सीएम की गद्दी बचा सकते हैं। तो चलिए उन पांच मुख्य कारणों के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से नीतीश बाबू फिर से पलटू राम बन सकते हैं। पहला, सीएम की गद्दी पर होकर भी नीतीश आरजेडी के अंदर दबा हुआ महसूस कर रहे हैं। बता दें कि नीतीश भले ही बिहार के सीएम है लेकिन महागठबंधन का सबसे बड़ा दल आरजेडी है। सुनने में ये बात भी आ रही है कि नीतीश ने आरजेडी से अंदर ही अंदर बड़ा समझौता किया है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में उतरेंगे और 2025 में बिहार की गद्दी तेजस्वी यादव संभालेंगे। हालांकि चर्चा तो ये भी चल रही है कि नीतीश विपक्ष की ओर से पीएम पद के दावेदार होंगे, लेकिन इसकी असलियत अब तक उजागर नहीं हो पाई है और नीतीश भी इस बात को समझ चुके हैं कि उनको पीएम उम्मीदवार बस सपनों में ही बनाया जाएगा। मतलब साफ है कि पीएम बनने का सपना टूट चुका है। साथ ही मोदी की ताकत का भी एहसास हो चुका है कि मोदी के रहते हुए मुमकिन नहीं है। ऐसे में नीतीश के लिए हारा क्या ना करता जैसा हाल बन गया है। अब अगर बीजेपी के साथ आते हैं तो कम से कम 25 की गद्दी बची रहेगी। नंबर दो, आरजेडी ने नीतीश के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल काफी दिनों से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के विधायक पुत्र सुधाकर सिंह नीतीश पर कुर्सी छोड़ने और कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश को काफी भला बुरा कह रहे हैं और जमकर पीछे पड़े हुए। नीतीश ने कुछ नहीं बोला और किसी भी तरह की कार्रवाई का जवाब आरजेडी पर छोड़ दिया, लेकिन आरजेडी ने सुधाकर सिंह को कुछ नहीं कहा। वहीं सुनील कुमार सिंह ने भी कभी खुलकर तो कभी इशारों में सोशल मीडिया के जरिए नीतीश के खिलाफ अभियान चलाया। नीतीश आरजेडी के नेताओं के हल्ला बोल से काफी दुखी दिखाई दिए, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने खुद को लाचार समझ लिया। नंबर तीन, नीतीश के मन में पीएम बनने का ख्वाब लगातार आ रहा है लेकिन अब उन्होंने हार मान ली है। नीतीश को बीजेपी ने कम सीटों के बाद ही सीएम पद की कुर्सी सौंपी थी, लेकिन नीतीश ने विपक्षी एकता के लिए काफी भाग दौड़ लगाई, सबको जुटा भी लिया, लेकिन बैठक में नीतीश कुमार को ही किनारे कर दिया गया। ना बेंगलुरु में ना ही मुंबई में कोई भाव मिला। वहीं नीतीश कुमार के संयोजक बनने का भी हल्ला होता रहा, लेकिन अब ये उम्मीद भी खत्म हो गई। अब सब कुछ कांग्रेस के हाथों में चला गया। सबसे बड़ा झटका नीतीश को तब लगा जब संयोजक बनने की बात चल रही थी। उसी वक्त आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ऐसी किसी संभावना से इनकार कर दिया। अब राहुल की नीतीश के साथ नहीं बल्कि लालू के साथ खूब बन रही है। हाल ही में राहुल लालू के आवास पर भी गए थे और लालू के साथ चिकन का स्वाद भी चखा था। चौथा, इधर होगा सीबीआई एक्शन, उधर नीतीश की मौज हो जाएगी। नीतीश कुमार के हाव भाव से ऐसा लगता है कि वो आरजेडी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। नीतीश के जीवन का एक ही मकसद है कि कुर्सी सलामत रहे। नीतीश पिंड छुड़ाने के लिए किसी भी अच्छे अवसर की तलाश में रहते हैं। साल 2017 में जब सीबीआई ने तेजस्वी का नाम पहली बार जमीन मामले में शामिल किया था तो नीतीश ने उसी समय महागठबंधन छोड़ने का मन बना लिया था। वहीं अब तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ऐसे में तेजस्वी की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नीतीश के दोनों हाथ में लड्डू है। तेजस्वी गिरफ्तार हुए तो महागठबंधन के साथ रहकर भी सरकार बनी रहेगी। वहीं अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीबीआई मामले को आधार बनाकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं।
पांचवा, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ से एंकरों के बायकॉट वाले सवाल पर भी अनजान नजर आए। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित भोज में नीतीश कुमार भी शामिल हुए थे। उस दौरान नीतीश मोदी के साथ हंसते और बात करते नजर आए, जिसे देखकर ऐसा लगा कि मोदी के प्रति रार तो है पर नीतीश आज भी मोदी के सच्चे यार है। उस मुलाकात ने पूरे इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी। नीतीश सभी विपक्षी दलों की बिना परवाह किए भोज में शामिल हुए थे। नीतीश अगर सच में महागठबंधन से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भाजपा अभी भी उन्हें पूरा समर्थन देने को तैयार है। यानी नीतीश की पूरी मौज है, बस पलटी मारने की जरूरत है। ऐसे में अगर नीतीश भाजपा के साथ जाते हैं तो बिहार में उनकी कुर्सी सलामत रहने की पूरी गारंटी है। और अगर केंद्र में मोदी फिर से आते हैं तो हो सकता है कि मोदी अपने दोस्त को राज्यपाल या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही बना दे। तो ये पांच बड़े कारण है जो नीतीश कुमार की पलटी मारने का इशारा कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में पलटी मारेंगे या फिर ऐसे ही बात बनी रहेगी? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में।